आता है भाई, बहुत दिक्कत हो गई। सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाया, फिर बहुत नाम पूछती करने। इसके पापा को जब बोनस मिला था दिवाली का, तो इसके पापा भी बना लिए, लेकिन कहाँ पता था हमें कि इस घर में रहने के लिए वही नहीं रहेंगे। भगाने का चक्कर, हमको जाना। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ रोटी, रोज बनाती हूँ, कोई उन्हें बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि पनीर बन रहा है। इस बार थोड़ा लेट हो गया पनीर बनाने में, तो प्याज और लहसुन में काट करके रखी हूँ, अभी मैं पीसूंगी इसको मसाला। और यहाँ हो रहा है मन्नु का ऑनलाइन क्लास। क्या फायदा कॉलेज खुलने से, जब ऑनलाइन ही क्लास करना था तो और अभी 4-5 दिन के बाद फिर नवरात्रि का छुट्टी होने वाला है। अब मुस्कान वहाँ मस्त सोई हुई है एकदम, सुबह में उसको उठाए एग्जाम देने के, लेकिन एग्जाम नहीं दे रही है। कहे ना दे रही एग्जाम, मन नहीं किया। तेरा मन करने से होता है, थोड़ा सा खिड़की का पर्दा करो तो लाइट मार रहा पूरा। बताओ काहे एग्जाम नहीं दे रही है तुम? बोले तो मन नहीं किया, बहुत लिख लिया, हाथ दर्द कर गया। इसका एग्जाम कर ले आज नहीं है। हम तुम्हें मैसेज भेजी थी ना मतलब ग्रुप में कि एग्जाम है इतना तारीख को, तो हम 5 को 4 पढ़ लिए आखिर। और हम सुबह सुबह में उठाए इसको जल्दी से कि उठ जाओ, टाइम हो रहा है एग्जाम का। हम तो सोच रहे एग्जाम लिख रही होगी, हम सुबह ही सोच रहे हैं कि तुम तेरा ऑनलाइन क्लास तरह एग्जाम कैसे लिख रही है, सोच रहे हम। तो आज तो मस्ती हो गया, एक दिन और एक्स्ट्रा मिल गया। ऐसे छुट्टी का चीज का है, स्टडी लीव। स्टडी लीव 4 दिन से स्टडी लीव मिल रहा है। जैसे में दिक्कत होता है उन लोगों को जो लोग बाहर से आते हैं, दूसरा स्टेट से, मतलब कि कॉलेज करने के लिए। कॉलेज खुलिएगा कि वो लोग आ गए, अब हो रहा है ऑनलाइन क्लास, फिर फायदा क्या? अब उन लोगों को तो परेशानी ही हो गया ना। एक तो अपना मस्त अपना घर में पड़े थे, वहाँ ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, जिसको करना कर रहे, नहीं करना नहीं कर रहे। अब अभी आके यहाँ पे रूम लेना, सारा कुछ खुद ही करना, परेशानी वाला घर हो गया। सुबह सुबह फोन किया था दोस्त, बोलता है भाई बहुत दिक्कत हो गई, सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाया, फिर बहुत नाम पूछती करने। तो बहुत परेशानी वाला काम हो गया है ना। ऑनलाइन का क्लास था तो फिर घर में ही रहना था, जहाँ जो है वही रहता, क्लास करता। ठीक है, तुम क्लास करो, हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। मसाला पीसना है, मेरा पुराना वाला मिक्सी, मेरा बाल खुल गया। ये है मेरा फेवरेट मिक्सी, मिक्सी से बहुत सारा याद हो रहा है। ये मिक्सी मेरा सबसे पहला मिक्सी है, जो कि मैं ये कहते है ना कि जब घर बसना शुरू होता है तो हम छोटा छोटा चीज अपना घर के लिए जोड़ते हैं, उसी में से एक छोटा चीज ये भी है। इसके पापा को जब बोनस मिला था दिवाली का, तो इसके पापा को मैं बोल रही थी कि मिक्सी लेकर के आने के लिए, वही मिक्सी है। इसलिए जब ये खराब हो गया तो मुझे बहुत खराब लग रहा था, लेकिन अभी बन गया है। ये खराब नहीं हुआ था, ये बिल्कुल ठीक ठाक था। इसको जार बनाएंगे, ओ ये खराब हो गया था तो बन गया। मैं आज इसमें मसाला पीसूंगी, पहले भी मैं 1-2 दिन पीस चुकी हूँ, आज मैं फिर से पीसूंगी इसमें। थोड़ा सा काजू भी इसमें ऐड करते हैं, इसमें लहसुन और प्याज, थोड़ा सा काजू डाल देते हैं। गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, गरम मसाला डालने से अच्छा तो लगता है, लेकिन नहीं डाल रहे हैं। मसाला हम लोग घर का जब गृहस्थी में लोग बसता है तो घर का एक एक सामान जोड़ते हैं, छोटा छोटा सामान, बड़ा बड़ा सामान, मतलब अपने जरूरत के हिसाब से लगता है कि हाँ ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये चीज लेना, ये चीज लेना है। ये सारा कुछ जोड़ते जोड़ते इतना साल निकल गया, घर भी बना लिए, लेकिन कहाँ पता था हमें कि इस घर में रहने के लिए वही नहीं रहेंगे। क्या करें, किस्मत में लिखा है। अभी भी ठीक ठाक है बिल्कुल, इससे मेरा बहुत सारा याद जुड़ा हुआ, मेरे दिल से बहुत करीब है। ज्यादा नहीं बोलेंगे वरना रोना आ जाएगा। तेल हो गया गरम, अभी लहसुन और प्याज अदरक मैंने डाली हूँ, इसको भूनते हैं अच्छे से। मसाला हल्दी मसाला भून गया है, कढ़ाई छोड़ दिया है, तेल छोड़ने लगा, अब इसमें थोड़ा पानी डालते हैं। खोल गया, अब डाल देते हैं नमक, पनीर। घर छोड़ के जा रहे हैं।
अभी गुलाब में नया नया पत्ता निकल रहा है, साथ में कली भी निकल रहा है। पूरा इसका पत्ता झड़ गया था, इधर ही गमला में इसका भी पूरा पत्ता झड़ गया है, निकलेगा। इसका सूख गया है, डाली सब कटिंग करना पड़ेगा। और यहाँ गमला में है सदाबहार भी निकल गया है, साथ में मैं छोड़ दी थी, बड़ा गमला था तो साथ में ये गुलदाउदी भी, लेकिन सदाबहार की वजह से और झाड़ी की वजह से बहुत सारा डाल सूख गया, ये बच गया है तो ये लटक रहा है, इसको सपोर्ट लगाना पड़ेगा। ये पत्थर चट्टा, जिनको पथरी होता है उनके लिए होता है शायद, ये कैसे खाया जाता नहीं पता है मुझे, पर पथरी के लिए होता है। इधर में है बहुत अच्छा से यहाँ पे हुआ है गुलदाउदी का, पूरा कली भरा हुआ है इसमें। ये पिछले साल भी मैं कलम लगाई थी, इस बार ठीक से हो गया है पूरा। इसके पीछे है चिरायता, पहले यहाँ नहीं था चिरायता, मैं बाद में यहाँ पे ला करके लगाई हूँ, पहले इधर लगा हुआ था यहाँ, ये पाम है ना यहाँ पे था, लेकिन मैं वहाँ से हटा करके सारा कुछ मैं वहाँ से हटा दिया और यहाँ पे लगा दी, ताकि ख़त्म ना हो। ऐसे ख़त्म होता नहीं, एक बार लगाने के बाद पूरा मेरे बाड़ी में पूरा भर जाता है। इसमें तो बड़ा बड़ा कली आ गया है, मैं आज देख रही हूँ, बारिश की वजह से निकलना भी नहीं होता, ये लाही भी लग रहा है साथ में। छत में मैं गेहूँ डाल के आई हूँ, थोड़ा सा गेहूँ को भी एक बार चला देना है, वो गेहूँ धोया हुआ भी नहीं है, बनाया हुआ भी नहीं है, बस कीड़ी हो गया, इसलिए मैं दी हूँ। कीड़ी नहीं होता तो एक ही बार जब धो धा के बना करके मैं डालती, लेकिन कीड़ी बहुत हो गया था इसीलिए छत में डालना पड़ा। बहुत धूप है, जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन एक बार देख कर आते हैं, क्योंकि चिड़िया और कबूतर, आज तो कबूतर नहीं आया, मैं एक दो बार गई थी देखने के लिए, कबूतर नहीं था, चिड़िया सब छीट के चला ही गया है। हल्दी भी मैं निकाल रही हूँ, पुराना हल्दी है, इसमें भी छेदा छेदा कर दिया। ये देखिए, मुझे पता नहीं था कि हल्दी में भी कीड़ा लगता है, क्योंकि मैं तो कितना पुराना पुराना मैं रखती हूँ, कभी हुआ नहीं ऐसे, फर्स्ट टाइम मैं। ये थोड़ा सा गोलगी बचा हुआ था, इसमें भी लग गया था घून, तो आज मैं धूप में निकाली हूँ, अभी झाड़ के इसका अंदर का सारा पाउडर निकाल दिया है। ये कौन सा तरीका है पीने का, पूरा डब्बा अकेले पिएगी, लेके आई है तो खुद ही पी रही, किसी को दे भी नहीं रही है। कल से दो बार हम डब्बा उठाए, दोनों बार बोलती रखो नीचे। अब तुम खा रहा है पीनट बटर कितने दिन के बाद, आ सपनाया था खाने का तो बहुत दिन से सोच रहे थे, लेकिन लेकिन अरे झूठा झूठ, इतना भयानक ठंडा हुआ है, इसे गिर भी नहीं रहा, चिपक गया। कितना दिन हो गया बनाया हुआ, कितना दिन से बना के रखे हैं, लिख के रखे हैं नहीं लिख के रखे हैं, लेकिन हमको याद है कि लगभग दो महीना हो रहा होगा, दो महीना मिक्सी आने से पहले पीछे थे, मिक्सी आने से पहले हाँ बड़े में यहाँ पीछे थे, हाँ तो एक महीना से ऊपर हो गया, डेढ़ महीना लगभग हो गया पीनट बटर बनाया हुआ, बटर बटर डेढ़ महीना से ऊपर हो गया है, अभी तक खत्म नहीं किया है। जब नहीं बना रहे थे ना तो बोले तुम्हारी पीनट बटर बना दीजिए, पीनट बटर बना दीजिए, है ना, अब उसको तुम चाटो, तुमको चाटने के लिए दे रहा भैया, हटा हमको चाटना, हमको चटा रहा है, खत्म किया, अभी भी नहीं खत्म कर रहा है, कितना दिन हो गया, खत्म करता तो और बनाते तो हमको भी अच्छा लगता, चलो जो बनाया जो बनाया वो खत्म तो हो रहा है, मम को खाना रहता तो हमारे तो खत्म नहीं कर दिए होते, नहीं तो छुपा के रखते ना, जो कहो क्या कह सकते हैं, अगर हमको खुद को खाना होता तो आज तक थोड़ी पे चल रहा था वहां पर। घर में इन लोगों बैडमिंटन, पूरा हॉल खाली करके बैडमिंटन शुरू हो गया इन लोगों, घर खाली करके जा रही थी, मुस्कान कब से जीत कर रही है बैडमिंटन खेलने जाना, लेकिन बारिश के चलते जा ही नहीं पा रही है, मुस्कान को बहुत पसंद है बैडमिंटन खेलना, इसलिए मनु हॉल खाली कर दिया, बोला कि जिम जाने से पहले चलो तुमको थोड़ा सा खिला देते हैं, जबरदस्ती खेल रहा है, हाँ जबरदस्ती खेल रहा है, खेल रहा है कि तुम झाड़ू लगा रहा है, ये लोग मेरा मुंह में मारने के चक्कर में था, लेकिन बच गए हम, अरे ये का है तो जोर से मार, मतलब हम बोल रहे हैं कि नहीं लगा बच गए, तो इसलिए सच में मार दिया हमको, अब हम गुस्सा हो गए, हम जा रहे हैं, रास्ता जाओ गेट खुल के चल जाना, भगाने का चक्कर, गाड़ी भी है जाओ चाबी, भू 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 भू,
हमने तुम लोग के पास हम रहेंगे नहीं, हम जा रहे हैं अपना काम करने, हमको बर्तन धोना है। जल्दी करो जल्दी करो। ए मत हमको, अरे सबसे ना सबसे बदमाश यही है। ई कहाँ गया? ई है। ये कौन सा स्टाइल का खेल हो रहा है? इतना जोर तुम लोग खेल रहा है रे, उलट उलट के, सूत सूत के, बैठ बैठ के, ऐसा कौन सा खेला खेल रहा है? तुम लोग कैसा खेला खेलता है? हम तो आज तक देखे ही नहीं ऐसा खेला। इंडोर गेम है। तुम भी सो जाओ, तुम कहीं के लिए खड़ी है? वो खेला नहीं हो रहा, बस टाइम पास हो रहा है। कहा मुस्कान, तुमको भैया बुका बना रहा है बस, और कुछ नहीं, अपना एनर्जी बचा रहा है ताकि जिम में जाके निकाले। तुम बुका बनाएगी? आ गई ना, बता खा लेंगे। मुस्कान डांटेगी, बता खाएंगे तो मम्मी डांटेगी। काटो मुझे।